تلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आफरीन जावेद ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संडे स्पेशल रूटीन ब्लॉग। और अभी जो है टाइम हो रहा है 10 बजे का, संडे की वजह से हम लोग सब जो है लेट मॉर्निंग सोकर उठ रहे होते हैं। तीनों को मैंने फौरन ही टूथब्रश करा के शावर दिला दिया है। अभी तीनों बैठ कर अपना मिल्क फिनिश कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में ज्यादा कुछ ये लोग लेते नहीं है, प्लेन मिल्क ही ये लोग लेना प्रेफर करते हैं। तीनों को बिजी करके इधर मैं आ गई हूँ किचन में ब्रंच रेडी करने। सो आज जो है मैं बना रही हूँ मसूर पुलाव और बेसन। दावतें और हैवी खाना खाते हुए काफी बोर हो गए हैं, सो आज जो है दिल चाह रहा था थोड़ा लाइट मील लेने का। तो मसूर पुलाव के लिए मैं सबसे पहले मसूर की दाल रेडी कर लूंगी, जिसके लिए कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल ऐड करा, कुछ साबुत मसाले ऐड कर दिए, स्लाइस कट की हुई प्याज ऐड कर दी। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है टमाटर और साथ ही आलू चॉप किया हुआ। 2 से 3 मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। अब इसमें मैं पाउडर्ड मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऐड करा है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसीलिए ऐड करा है क्योंकि इसको जो है बच्चे खाने वाले हैं, सो ये जो है बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने खट्टा दही ऐड करा है। और यहाँ पर मैंने ली है ओवर नाइट सोक की हुई 1 कप साबुत मसूर दाल। इसका पानी जो है ड्रेन आउट करके इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी कुकर में। 1/2 कप इसमें मैंने पानी ऐड करा है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको मैं कवर करके टेंडर कर लूंगी 3 से 4 वेसल आ जाने तक। इधर कुलसुम हुमैरा के बाल जो हैं ड्राई हो गए थे, तो दोनों के मैंने बाल बना दिए हैं। दोनों बच्चियों के बाल बड़े हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जू नहीं है। इसका रीज़न यही है, मैं बालों को अच्छे से ड्राई हो जाने देती हूँ, उसके बाद ही पोनीज बनाती हूँ। दाल टेंडर हो रही है, उतनी देर में इधर मैं बना लूंगी दही बेसन। ये बेसन जो है बहुत ही मज़े का बनता है और जल्दी से भी बन जाता है। इसको आप सिंपल चावल या मसूर पुलाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। एक वेसल में मैंने तेल को अच्छे से गरम करके इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जीरा ऐड कर दिया है। पिसे मसाले ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया जिससे कि मसाले जो है वो जलेंगे नहीं। उसके बाद इसमें मैंने साबुत अमचूर ऐड करा है 4 से 5 कलियाँ। और इसमें जो है साबुत अमचूर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पाउडर अमचूर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इधर मैंने 1 कप खट्टा दही लिया है, 1/2 कप बेसन लिया है। इसको मैं कर लूंगी अच्छी तरह से मिक्स और बिल्कुल लंप फ्री। मसालों के अच्छी तरह से भुन जाने पर और ऑयल लूज आउट हो जाने के बाद इसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया है बेसन और दही का मिक्सचर। बेसन में मैंने अमचूर ऐड करा है, आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर काफी महंगे चल रहे हैं इसीलिए मैंने टमाटर को जो है स्किप करके अमचूर ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ में इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स करते हुए पका लूंगी। उसके बाद इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी। तो बस यहाँ पर बेसन जो है बिल्कुल डन है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी पर मैंने जो है गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि ठंडा होने पर ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। बस इसमें मैं फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इधर दाल भी जो है अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। मसूर पुलाव का टेस्ट जो है असल तभी आ पाता है जब ये दाल जो है अच्छी तरह से टेंडर की हुई हो। तो बस दाल को जो है मैंने अच्छे से टेंडर कर लिया और चावल ऐड कर लिए। कुकर मुझे छोटा लग रहा था तो इसको मैं बनाऊंगी अब वेसल में। तो वेसल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है डबल क्वांटिटी का, जितने चावल लिए थे उससे डबल पानी ऐड करा है। खाना पका रही थी उतनी देर में मैं घर के काम भी समेटती जा रही थी, बर्तन झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा कुछ मेरा हो गया है। इधर अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। छुट्टी वाले रोज मोस्टली हम लोगों का ब्रंच ही हो रहा होता है। अगर सुबह से उठ जाते हैं तो फिर पराठे वगैरह नाश्ता चल रहा होता है, अदरवाइज ब्रंच ही होता है। तो यहाँ पर जो है मसूर पुलाव बिल्कुल रेडी है, इसको मैं कर दूंगी गर्मा गर्म सर्व। बहुत ही मजे का लगता है और खिचड़ी से कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा हो तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मजे का लगेगा ये, और लाइट भी होता है और टेस्टी भी।
ब्रंच के बाद मैंने तीनों को मैंगोज कट करके दे दिए हैं, तो बस यहाँ पर अपने मैंगोज इंजॉय कर रहे हैं ये लोग बैठकर। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं लड्डू, ये मैंने रात में बनाए थे। ये मैंने मूंग दाल, चना दाल और सूजी को मिक्स करके बनाए थे, बहुत ही मजे के बने थे। और इसको हल्का सा मैं गर्म कर लूंगी, गर्म ये ना बहुत ही मजे के लग रहे होते हैं। इधर मैंने हुजैफा हुमैरा को सुला दिया है और आज जो है मैंने लाइट मील लिया था, जब तक मैं एक आध रोटी ना ले लूँ लंच में या ब्रंच में तो मेरा ना गुजारा नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपने लिए बना ली है स्मूदी। एक जार में मैंने मैंगो चॉप किए हुए ऐड कर दिए हैं, एक बनाना ऐड करा है, दो डेट्स ऐड करे हैं, थोड़े से चिया सीड्स और साथ ही ओट्स ऐड कर दिए हैं, लो फैट दूध ऐड कर दिया है। इन सभी को मैंने कर लिया है अच्छे से ब्लेंड और ऊपर से कुछ नट्स ऐड कर लिए हैं। और बस इसको आप ठंडा ठंडा इंजॉय करें, ये बहुत ही मजे का बनता है और इसको लेने के बाद ना आपको काफी टाइम तक जो है भूख भी नहीं लगती है। बालकनी में बैठ के मज़े से स्मूदी इंजॉय करी, उसके बाद जो है अभी उठ गए थे हुजैफा हुमैरा, तो इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ इवनिंग स्नैक, तो मैं बना के दे रही हूँ मैंगो शेक। मैंगो मिल्क शेक के लिए मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, उसमें मैंने आइस क्यूब्स ऐड कर दिए, चॉप किए हुए मैंगोज ऐड कर दिए, आइसक्रीम ऐड कर दी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं, शुगर पाउडर ऐड करा है और मिल्क ऐड करा है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और बच्चों को ठंडा ठंडा सर्व कर दूँगी। दिन में लाइट मील हो गया था और आज संडे है तो बच्चों को हस्बैंड को चाहिए कुछ ना कुछ स्पेशल, सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दलीम। दाल और चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके 4-5 घंटे के लिए भिगा दिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, नमक और पानी। इसको मैं कवर करके आधा घंटा मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी, जिससे कि दालें जो हैं अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगी या घुल जाएंगी। रेनी सीजन में झूला बहुत अच्छा लगता है, मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है ठंडा सा, लेकिन नीचे इतना ज़्यादा पार्क में मड़ी सा हो रहा है, इसलिए मैं बच्चों को नहीं जाने दे रही हूँ, तो उन लोगों के लिए जो है मैंने घर का डाल दिया है। तो बस झूला जो है पूरे टाइम बिजी रहता है, सोने से पहले, सोने के बाद, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद। एक तरफ कुकर में दालें हो रही हैं तो मैंने सोचा दूसरी तरफ गोश्त चढ़ा देती हूँ, तो काम जो है जल्दी हो जाएगा। बोनलेस गोश्त लिया है, इसको मैंने कुकर में ट्रांसफर कर दिया है। रफली चॉप किए हुए प्याज टमाटर ले लिए हैं और पिसे मसाले इसमें ऐड करे हैं। पिसे मसालों में शान का हलीम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया लिए हैं और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। पानी ज़्यादा ऐड करूँगी जिससे कि गोश्त जो है वो जलेगा नहीं। 3-4 टेबल स्पून तेल ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें मैं ओवरनाइट सोक किए हुए गेहूँ ऐड कर रही हूँ। गेहूँ से दलीम का टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का हो जाता है। गेहूँ के बिना जो है मैं खिचड़ा या दलीम कभी भी बनाती ही नहीं हूँ, ये जो है मेरी रेसिपी का मेन इन्ग्रीडियंट है। तो बस गोश्त को भी मैंने अच्छी तरह से टेंडर कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त इतनी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है कि ये खुद ही घुट गया है। दालों को मैंने एक बड़े वेसल में ट्रांसफ़र कर लिया, दालें भी अच्छी तरह से टेंडर हो गई थी तो ज़्यादा घुटाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इधर मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। एक कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गरम करके इसमें प्याज, तेज़पत्ते, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से फ्राई। दाल और गोश्त को मैंने अच्छे से घोट लिया है मीडियम फ्लेम पर और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जान हो गया है, बहुत ही अच्छे से घुटाई हो गई है इसकी। बस इसमें अब मैं हमारा तैयार किया हुआ तड़का या बघार ट्रांसफ़र कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पर्सनली मुझे दलीम जो है बहुत ज़्यादा चटपटा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसमें मैं जो है हरी मिर्च को चॉप करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी टेस्ट करा है मैंने तो इसमें मिर्च जो है थोड़ी कम लग रही है मेरे हिसाब से। बाकी आप अगर कम खाते हैं तो जितनी मिर्चें मैंने पहले ऐड करी हैं बस उतनी ही सफिशियंट हैं।
तो बस इसकी मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट और अच्छे से घुटाई करी है मीडियम फ्लेम पर, और बस यहाँ पर जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी का खिचड़ा या दलीम बिल्कुल रेडी है। इसको नींबू पुदीना चाट मसाला के साथ में गर्मा गर्म इंजॉय करें, बहुत ही मज़े का ये लगता है। डिनर हम लोग जो है मगरिब बाद ले लेते हैं, तो यहाँ पर लग रही थी बच्चों को थोड़ी भूख, तो मैंने बनाकर दे दिए हैं पॉपकॉर्न। सो बस यही था आज का मेरा वीकेंड रूटीन। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।